हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर नूरजा, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम एमएस कॉलेज बीकानेर। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने सावयव सिद्धांत भाग फर्स्ट के बारे में आपको जानकारी दी, जिसमें हम सब ने सावयव सिद्धांत का अर्थ पढ़ा, उसमें समानताएं पढ़ी और असमानताएं पढ़ी। असमानताओं के बाद भाग दो में हम आज इसकी आलोचनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मैंने इससे पूर्व की कक्षा में जो आपको बताया, आप उसे ज़रूर समझ पाए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई कन्फ्यूज़न आपका है तो आप ग्रुप के माध्यम से अपने कन्फ्यूजन्स को पूछ सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। असमानताओं को बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि परस्पर निर्भरता और चेतना शक्ति को लेकर सावयव से हर्बर्ट स्पेंसर ने अंतर को स्पष्ट किया है। लेकिन एक बात और यहाँ मैं आपको साफ कर दूँ, वो ये है कि वो जो दो अंतर असमानताओं का उन्होंने बताया राज्य और शरीर में, उसका क्राइटेरिया बहुत छोटा था। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट गई हैं जो बाद में आगे चलकर आलोचना का विषय बनी है, और इन्हीं आलोचना के विषय में हमारा जो प्रथम बिंदु है वो समानता पूर्ण नहीं है। समानता पूर्ण नहीं है अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य और मानव शरीर में जो समानताएं बताई हैं वो समानताएं पूरी नहीं है। जिन तत्वों से शरीर बनता है उनकी तुलना व्यक्ति से नहीं की जा सकती। शरीर के घटकों का कोई पृथक अस्तित्व, इच्छा व चेतना नहीं होती, वे पदार्थ के अंश मात्र होते हैं, किंतु व्यक्ति का एक पृथक अस्तित्व इच्छा चेतना शक्ति होती है। यह सत्य है कि समाज और राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, परंतु उसके बिना जीवित अवश्य ही रह सकता है। इस बात को हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं बताया, तो यह है आलोचना का विषय बना। दूसरी बात आती है मानव का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता, मानव का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंगों का स्थान पूर्व निर्धारित होता है। शरीर के प्रत्येक अंग के स्थान एवं कार्य कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निश्चित किए जाते हैं, किंतु व्यक्ति समाज में अपने स्थान और भाग्य का स्वयं ही निर्माता होता है। इसका वर्णन कहीं भी स्पेंसर नहीं करता है, इसलिए आलोचना का विषय है। इसमें तीसरा बिंदु है जन्म, विकास तथा मृत्यु के नियम अलग हैं, भिन्न हैं। एक जीवित शरीर की उत्पत्ति मनुष्य से होती है, किंतु राज्य की उत्पत्ति के लिए दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। फिर जैसे जैसे मनुष्य का जन्म होने के बाद उसका विकास, उसका पालन पोषण होता है, इस तरह के पालन पोषण की आवश्यकता राज्य रूपी शरीर को नहीं होती। जिस प्रकार मनुष्य बचपन से बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था और उसके बाद में वृद्धा अवस्था फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, इस तरह का कोई प्रोसीजर राज्य के विकास में नहीं है। राज्य हमेशा आगे की तरफ, विकास की तरफ बढ़ने वाली प्रक्रिया को बताता है। उसमें बुढ़ापा या बाल्य, उसकी वृद्धावस्था या उसकी मृत्यु जैसे तत्व आएंगे, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है, जबकि मानव शरीर में ये चीज़ें निश्चित हैं, इसलिए ये आलोचना का विषय बना। इसी में मैं चौथे बिंदु पर आपको प्रकाश डाल के बताऊं कि राज्य के कार्यक्षेत्र की संतोषजनक व्याख्या नहीं। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में
जो चर्चाएं की, जो विषय में हमें बताया, वो संतोषजनक नहीं है, क्योंकि निरंकुशवाद तथा व्यक्तिवाद भी शासन का संचालन करते हैं, राज्य के कार्यों का संचालन करते हैं, जबकि और विचारधाराओं के आधार पर अनेक अनेक तरह के राज्यों का स्वरूप होता है। इन सब का वर्णन कहीं भी हर्बर्ट स्पेंसर नहीं करते, अतः वह आलोचना का विषय रहे। फिर सहयोग सिद्धांत के गलत परिणाम हो सकते हैं, भयानक परिणाम हो सकते हैं, भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इस संबंध में हर्बर्ट स्पेंसर ने जो बताया है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने ये स्वीकार किया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक व्यक्ति की हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि व्यक्ति व्यक्ति और राज्य शरीर एक समान है, शरीर के अंगों के समान ही व्यक्ति को साधन मात्र माना गया है। इस प्रकार के सिद्धांत को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का क्या होगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता के अधिकारों का, तानाशाही व्यवस्थाओं का जन्म कैसे हुआ, वह प्रजातांत्रिक क्यों हुए, इन सारे सवालों का जवाब नहीं होगा, अतः यह आलोचना का विषय है। अगली बात आती है, छठा और अंतिम पॉइंट, कि स्पेंसर द्वारा सिद्धांत का त्रुटिपूर्ण उपयोग। सावयव सिद्धांत का सबसे प्रमुख रूप में हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रयोग किया गया। इसके द्वारा इस सिद्धांत के आधार पर ऐसे निष्कर्ष निकाले गए जिसका सावयव सिद्धांत से कोई मेल नहीं बैठता। स्पेंसर द्वारा सावयव सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया गया है, किंतु जैसा किया गया है जबकि व्यक्तिवादी सिद्धांत जो है वो किसी एक विचारधारा पर आधारित है, वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकता, इसलिए आलोचना का विषय बना। अब इन आलोचनाओं का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट है कि निश्चित रूप से हर्बर्ट स्पेंसर के इस सिद्धांत में कुछ कमियां रहीं। क्या इस कमियों के रहते हुए इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर गैटन ने यह कहा कि यह सिद्धांत निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है और इसने राजनीति विज्ञान को अपनी कुछ देन या इम्पोर्टेंस भी प्रदान की है। जैसा कि उन्होंने ये बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके राज्य को एक कृत्रिम वस्तु नहीं माना, बल्कि इसका विकास हुआ है यह सिद्ध करने का प्रयास किया। गैटल यह भी कहते हैं कि इस सिद्धांत में तथ्यों पर विश्वास किया गया है और मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हुए उसकी सामाजिक प्रवृत्तियों को उजागर किया गया है और राज्य की को जन्म देने के लिए मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्तियों की महत्ता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर हर्बर्ट स्पेंसर राज्य और नागरिकों की पारस्परिक निर्भरता पर भी बल देता है। यह मनुष्य के सामाजिक जीवन में मौलिक एकता को बनाए रखने की बात को स्वीकार करता है। इसके अलावा यह सिद्धांत बिखरे हुए व्यक्तियों को समूहों में रखने का प्रयास करता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस सिद्धांत में कुछ कमियां, कुछ आलोचनाएं नहीं रही हैं निश्चित रूप से, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में निश्चित रूप से कुछ महत्व विद्यमान है। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसी क्रम में मैं आपको एक दूसरे टॉपिक पर अगली कक्षा में बात करूंगी और वो टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य। इस लोक कल्याणकारी राज्य में हम पढ़ेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ क्या है,
लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार से कार्य करता है, इन सारी बातों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना, अगली क्लास में हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक, ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया, इससे रिलेटेड जो प्रश्न पत्र है वो असाइनमेंट के रूप में मैं आपको ग्रुप में शेयर करूँगी। और इस टॉपिक से संबंधित अगर आपका कोई संशय, कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रश्न हो तो निश्चित रूप से आप उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना, अगली क्लास में हम लोक कल्याणकारी राज्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।